This vlog is about stimulus check. Did you get your stimulus check? I ain't get shit. I ain't do my taxes yet. You didn't do your taxes? That bike makes a lot of noise. So tell us that how much money did you get from the government? Amazon से hoodie मंगाई थी. देख लो आपको कैसा लग रहा है. कैमरा में पता नहीं कैसा दिख रहा है बट यहाँ पर मेरी नज़रों पे बहुत ही फेडेड है और टी शर्ट भी बहुत ही फेडेड है. अमेजोन में इसका कुछ ऐसा कलर था. यहाँ पर अमेजोन में देखो कितनी खूबसूरत लग रही है, राइट? और वैसे ही सेम मैंने एक ब्लैक कलर की टी शर्ट मंगाई थी, मज़ा नहीं आया. दोनों जाके रिटर्न करूँगा. आज आप लोगों से कुछ और बात करनी है. आप लोगों को पता है कि हम लोग टैक्स क्यों भरते हैं, टोल क्यों देते हैं? सिंपल सी बात है, टोल देते हैं ताकि जो टोल का पैसा है उससे रोड्स बने, खड्डे भरे जाएं, अच्छे रोड्स बने, अच्छे टोल नाका बने. मतलब ये देश की उन्नति के लिए. वैसे ही टैक्स हम लोग भरते हैं क्यों, किस बारे में टैक्स भरते हैं? ताकि जब देश के नागरिकों पे प्रॉब्लम्स आती हैं, मुसीबतें आती हैं, तो वही पैसा जो टैक्स में करोड़ों अरबों जो गवर्नमेंट के पास है, वो पैसा आए देशवासियों के काम. तो ये जो मैं बात करना चाहता हूँ ना, किसी चीज़ के अगेंस्ट बात नहीं करना चाहता हूँ, ये मैं किसी चीज़ को अप्रिशिएट करना चाहता हूँ. अप्रिशिएट करना चाहता हूँ इस देश को, अमेरिका को. और आप लोगों को एक छोटी सी जानकारी देना चाहता हूँ कि जब ये पैंडेमिक चालू हुआ, मतलब ये सब लोगों के लिए बहुत ही टफ टाइम, मतलब बहुत ही ज़्यादा टफ टाइम. थैंक्स टू देम ऑल्सो के एसेंशियल वर्कर्स लोगों की वजह से हम लोग इस पैंडेमिक से बाहर आ रहे हैं. बट जो डेली दिहाड़ी की काम करने वाले लोग हैं, जो रोज़ काम करना है, रोज़ कुआं खोदना है और पैसे कमाने, प्रॉब्लम उनके लिए हो जाती है. इमेजिन आपको रोज़ काम पे जाना है, पैसे कमाने, घर पे लेके आने, बच्चों को खिलाना है, अपने माँ बाप को देखना है. आई डोंट थिंक सो कि ऐसे टाइम पे आप बाहर भी जा सकते हो. इंडिया में और भी बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ में मैंने देखा है कि बाहर जाना अलाउड नहीं है. थैंक्स टू अमेरिका कि हम लोगों को स्टिमुलस चेक मिलता रहा है टाइम टू टाइम. इतने पैसे मिले हैं कि मैं यहाँ पर अपना टेक केयर कर सकता हूँ और इंडिया में अपनी फैमिली का भी टेक केयर कर सकता हूँ. अगर मैं इस कंट्री को टैक्स पे करता हूँ तो उनका भी यही फर्ज बनता है कि ये बंदा टैक्स हमारी कंट्री को दे रहा है, हम रिटर्न में इस बंदे के लिए क्या करेंगे? मोहसिन से पूछते हैं. कैसा तबियत? बात हम लोग कर रहे थे स्टिमुलस चेक के बारे में. मैंने वही बोला कि ब्रो अपना जो गवर्नमेंट्स है, जो अपना टैक्स लेता है, टोल लेता है, वो कब काम आएगा? यही तो टाइम है कि जब अपना पेंडेमिक चालू हुआ था लास्ट मार्च में, हाँ 1200 आया था स्टार्ट में. इसके बाद 6 महीने का, 3 महीने के गैप के बाद 600 आया था जो ट्रम्प ने दिया था. पहले वाला भी ट्रम्प ने ही दिया था. फिर एक स्टेट वाइज भी टैक्स, स्टेट वाइज, जैसे कि अपना न्यू जर्सी है, ये स्टेट ने कुछ नहीं दिया, बट मैरीलैंड में हम लोग को $300 एक्स्ट्रा मिला था क्योंकि हम लोग मैरीलैंड में थे. फिर अभी जो आया तो प्रेसिडेंट चेंज हुआ तो उसने $1200 का, 1300 1400 इंडियन रुपीस हम लोग को पूरे पैंडेमिक के दौरान मिला, करेक्ट ब्रो? यस. ऐसा नहीं है कि हमारा काम भी जोरों शोरों से चल रहा है, हमारा काम भी बहुत, मतलब जी बोले तो यही पेमेंट से हम लोग सर्वाइव किया जो भी गवर्नमेंट ने दिया, बिकॉज़ अदरवाइज हम लोग इतना कमा नहीं रहे. अच्छा छोटे लोग को स्टिमुलस चेक मिला? हाँ, कितना मिला? 1400 नहीं मिला बस. कितना? 1400 बस. 1400 बस. I can't see a way out. I've been stacking face down off canvases I painted. I just spent the rain day on shit I can't afford, but that's the price I pay for the memories. और गैस स्टेशन वाले पाजी को भी स्टिमुलस चेक मिल गया था, पर उनको ज्यादा नहीं मिला यार, पता नहीं क्यों. और अगर आप लोग सोच रहे हो ये क्या है, ये एक फिल्म मेकिंग गियर है जो मैंने अभी अभी खरीदा है. इसके बारे में मैं किसी और दिन बताऊंगा, पहले इसको यूज करूंगा एंड फिर मैं आप लोग को इन्फॉर्म करूंगा कि ये क्या है. ये है एक कैमरा स्लाइडर.
बहुत टाइम से सोच रहा था एक स्लाइडर खरीदने का अपने वीडियोस को थोड़ा वन नॉच अप लेके जाने के लिए, तो मैंने स्लाइडर खरीद लिया, यूज करके देखूंगा। और जो एरिया ये है एलिजाबेथ, पूरा स्पैनिश लोगों का एरिया है, जैसे कि लंदन में मैं एक बार गया था वहाँ पर पंजाबियों का एरिया है, गुजरातियों का एरिया है, बांग्लादेशियों का एरिया है, तो यहाँ पर ये जो एरिया है ये स्पैनिश लोगों का एरिया है। हार्ली डेविडसन बाइक दिखी है तो मैंने बोला कि मैं शूट करता हूं तुमको और इसी बारे में बात भी कर लूंगा। करीना, यू नो इन इंडिया देयर इज अ सुपरस्टार एक्ट्रेस, हर नेम इज करीना कपूर। आई हैव हर्ड दिस मेनी ऑफ टाइम्स। ओके, आई टेक इट एज अ कॉम्प्लीमेंट। आई फील लाइक इज शी अ ब्यूटीफुल वुमन? यस, शी इज वेरी वेरी ब्यूटीफुल। Okay. Yeah. And you're very pretty too. Thank you. Right, everybody? Don't make me blush. So tell us that how much money did you get from the government, like as a stimulus check? For the stimulus, it was $1,400. But recently you got $1,400. Earlier, yeah, it was $1,200. Yes, it was $1,200. And then $600. Yes. And then $1,400, right? Yes. And yes. So, what the do you? The checks are coming through, and also they give for each kid. Too. For the each kid, right? Yeah. So if you have like, if you have three kids, you get $500 for each kid. Oh. Supposedly, that's how it's supposed to go, because how are you going to be able to give them Pampers, food, you know, three, four times a day now, because these kids are not able to go to school. You know what I'm saying? Yes. Yes. So it was scary at first, but now I feel like it's gotten a lot better. So appreciate this guy. After this, I'm gonna obviously search him, because this is the first time that I'm meeting him. But it's what's up. And yeah, awesome, awesome. I can't wait to see this later. It's so nice that, you know, I just came to buy something here, and I saw this area, Spanish area. Now Indian people will know that Spanish people are really cool. Yeah, of course. I accept all cultures. All of it. See, all these Spanish guys are standing here. Who's Spanish here? See, all these Spanish guys, they're really cool. Nice meeting you guys. Everybody who's listening up right now, go follow Ron. This guy is awesome. Get out of here. Like, I need to see you again someday. Like, come back. So Karina totally changed my name. She called me, what did he call me? Rohan. Yeah, now she knows. I got it right now. Pele will do Ron, but it's cool. It's cool. But you know what? Nicknames are cool, okay? Yeah, I see you. Bye. Bye-bye, guys. क्या माइंड ब्लोइंग है ऐसा। मेरा मतलब व्लॉग जब से मैंने चालू किया है तब से मेरी लाइफ एकदम ही मतलब ऐसा। Face down off canvases I painted. I just spent the rain day on shit I can't afford, but that's the price I pay for the memories I'm making. This vlog is about stimulus check. Did you get your stimulus check? I ain't get shit. I ain't do my taxes yet. You didn't do your taxes? Well, I'm doing it now. I'm getting it done for free, so it's taking a while. But okay. All the best. I hope you get your money. भाई ने टैक्स नहीं भरा, स्टिमुलस चेक नहीं मिला। कभी कभी कुछ कपड़े इतने महंगे होते हैं लेकिन आपको पहनना अच्छा नहीं लगता है, बट ये जो मैंने टी शर्ट ली है कॉस्को से, $20 की या $10 की तीन आई थी। सच बताऊं इतनी कंफर्टेबल है ना, उतारने का मन ही नहीं करता है। और कुछ ऐसा है डंकिन डोनट का बाथरूम जो मैंने अभी यूज किया। Down off canvases I painted. I just spent the rain day on shit I can't afford, but that's the price I pay for the memories I'm making. I've been going places, I've been shaking hands for a chance to really make it. This life is so abrasive, swag almost gave in. All this shit I'm laying in, it's only the foundation. I've been going crazy, just trying to find a way. I was in a basement, trying to turn the page. I was going through the phase, nobody see my face. I was chasing at the paper, been all for the ways. देखो मेरा वीडियो बनाने का ये मतलब नहीं है कि मैं किसी को ठेस पहुंचाना चाहता हूं, या मतलब कोई और रीज़न मत समझ लेना कि मैं क्यों बना रहा हूं ये वीडियो। ये मैं सिर्फ इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं। एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे आप इंश्योरेंस में पैसा भरते हो, ठीक है, जब
समझ लो गाड़ी का इंश्योरेंस भरते हो या हेल्थ इंश्योरेंस लेते हो, जब आपकी हेल्थ खराब होती है, गाड़ी खराब होती है, तो इंश्योरेंस वाले पैसा देते हैं ना, बराबर ना। उसी हिसाब से हर गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए कि जब इतना टैक्स भरा जा रहा है, जब ऐसी पेंडेमिक आती है, तो हर गवर्नमेंट को ऐसी सहूलियत देनी चाहिए। मैं कुछ नेगेटिव बात फैलाना नहीं चाहता हूँ, सिर्फ अगर ये किसी अथॉरिटी वाले पर्सन को मिलती है तो अच्छी बात है। मेरी इस वीडियो से अगर एक मैसेज किसी को भी पहुँचता है ना, तो आई विल फील रियली लकी। बस इसीलिए ये वीडियो बना रहा हूँ मैं, और आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहता था कि हमारी लाइफ यहाँ अमेरिका में कैसे सर्वाइव हो रही है ये जो पैंडेमिक चल रहा है उस दौरान। आप लोग तो देख ही रहे हो ना। तो ये रहा वो कैमरा स्लाइडर। तो ये जो देख लो आप लोग स्लाइडर है, जब मैं अकेला होता हूँ तो ये मोटराइज्ड है, इसमें मोटर लगी हुई है। जब मैं अकेला होता हूँ तो ये मुझे शूट करने में बहुत काम आएगा, क्योंकि इसमें मोशन है। किसी और वीडियो में बात करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ कमेंट करके बताना। दैट्स अबाउट इट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, कुछ भी थोड़ा बहुत सीखने को मिला है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके आना। कीप वॉचिंग, कीप मोटिवेटिंग। आई लव यू ऑल एंड प्लीज़ बी सेफ। बाय बाय। अच्छी चीज़ है, अभी इसको प्रॉपर से सीखना पड़ेगा और बाद में किसी और वीडियो में बताऊँगा आपको। बाय बाय।